अपना बेटा वो कर जाती हैं बेटियां, और एक कुल की लाज बचा सकाना बेटा, और दो दो कुलों की लाज बचाती हैं बेटियां। बेटी पराया धन तो बोली गई है, लेकिन यहाँ की भी लाज बचाती है, ससुराल की भी और मायके भी लाज बचाती है बेटी हमेशा। बेटियां आजकल कहीं कम नहीं है, लेकिन कम है तो एक भूल से कम है। इतनी बड़ी भूल से कम है बेटियां। बेटियां क्या डीएम नहीं है, बेटियां क्या वकील नहीं है, बेटियां क्या अधिकारी नहीं है, बेटियां क्या शास्त्री नहीं है, बहुत है लेकिन मर्यादा में। श्रोताओं बस कहना तो ये चाहती हूँ कि आपके गांव में कथा है, बड़ा सौभाग्य रहा जो आप लोगों ने इतना सुंदर अवसर किया, भाव अच्छे उठे आपके हृदय में जो आपने श्रीमद् भागवत कथा का अनुष्ठान कराया। राजा परीक्षित ने गंगा के किनारे बैठ करके सिर्फ कल्याण के लिए, अपने पाप के पछताव के लिए वो कथा सुनी थी, जो मेरी जिंदगी में जो भी पाप मैंने किए हैं उनका विनाश करने के लिए, उनका छीड़ करने के लिए। लेकिन श्रोताओं आप भी आज से ये मान लेना कि मैं श्रीमद् भागवत कथा को हृदय से नमन करती हुई, और जब तक इस काया के अंदर प्राण रहेंगे तब तक मर्यादा के कार्य करेंगे। जो स्त्री अगर अपने घर को पराया समझने लगे, कितनी भी अमीर हो या गरीबी हो, उस जिस स्त्री ने गरीबी में समय काट लिया उस जैसी स्त्री दुनिया में हो नहीं सकती है। रानी तारा बलिहारी बलिहारी समय तेरी बलिहारी, कर्म से राजा राज करते हैं कर्म से बने भिखारी समय तेरी बलिहारी। आज राजा हरिश्चंद्र की पत्नी तारा कितनी बड़ी रानी पदवीता थी, गहने और आभूषण से हमेशा लदी रहती थी, लेकिन आज वो विपता आ गई है, लेकिन फिर भी अपने पति का मुख नहीं मोड़ा। स्त्री पदवीता तो वही है जो अपने पति की आज्ञा पर कार्य करने वाली हो, बिना पति के कोई कार्य न करती हो। ये कवि ने बड़ी सुंदर कल्पना की है। और हंसी खेल के करियो गुजारो चाहिए श्रोताओ। और चाहे कैसा भी हो, निर्धन हो, गरीब हो, अमीर हो, अपने पति के साथ ही गुजारा करना चाहिए।
जो स्त्री अपने पति की सेवा तन और मन से करेगी उसको हमेशा सुंदर विचार और सुंदर ही लोक पर लोकों में सामना करना पड़ेगा। श्रोताओं, इधर रानी तारा ने अपने पति से कह दिया है और जवाब दिया, महाराज आप